हरियाणा के एक ही परिवार के 6 लोगों में से 5 की उत्तराखंड में मौत। मॉनसून की मार से उत्तराखंड में त्राही माम मचा हुआ है। उत्तराखंड में अब तक मॉनसून की मार के बाद 57 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 19 लोग लापता हैं। अब भी उत्तराखंड में भारी बारिश की मार जारी है। जगह जगह से डरा देने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। देवभूमि उत्तराखंड में बारिश का कहर अब भी जारी है। मौसम विभाग ने फिर से 7 दिनों का येलो अलर्ट जारी कर दिया है। 7 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी भी जारी की गई है। मूसलाधार बारिश के बीच कई जिलों से भयंकर तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं। सबसे दर्दनाक तस्वीरें पौड़ी जिले के यमकेश्वर ब्लॉक से सामने आई हैं, जहां 5 लोगों की मौत हो गई है। मोहन चट्टी के पास जोगियाना में सोमवार को तेज बारिश के कारण नाइट लाइफ पैराडाइज कैंप मलबे में दब गया था, जिसमें 6 लोग रुके हुए थे। घटना के बारे में पौड़ी पुलिस कंट्रोल रूम ने SDRF कंट्रोल रूम को खबर पहुंचाई और राहत बचाव का काम शुरू हो गया, लेकिन SDRF की टीम 6 में से सिर्फ एक बच्ची की जान बचा पाई, जबकि 5 लोगों की मौत हो चुकी थी, जिनके शव बरामद कर लिए गए हैं। वो कहते हैं ना, जाको राखे साइया, मार सके ना कोई। मलबे में से एक 10 साल की बच्ची को सकुशल रेस्क्यू कर लिया गया है। जानकारी के अनुसार ये सभी लोग हरियाणा के कुरुक्षेत्र के रहने वाले हैं। दूसरी तस्वीर विकास नगर से सामने आई है, जहां बिन्हाड़ क्षेत्र के दुरस्त गांव जाखंड में प्राकृतिक आपदा का कहर देखने को मिला। बीते दिन आई इस आपदा के चलते गांव में रहने वाले लोग अपने आशियाने छोड़ने को मजबूर हो गए। भारी भरकम भूस्खलन के चलते जाखंड गांव के 9 मकान और 7 गौशालाएं पूरी तरह जमींदोज हो गए, जिसमें 16 परिवारों के 50 लोग रहते थे। राहत की बात यह है कि घटना में किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन कुछ पशुओं के नुकसान की खबर जरूर सामने आई है। खुद विकास नगर विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने तहसील प्रशासन के साथ मौके पर पहुंचकर गांव को खाली कराने के साथ ही सभी लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के निर्देश दिए। गुरुवार के मौके पर पहुंची जिलाधिकारी देहरादून सोनिका सिंह की ओर से सभी ग्रामीणों को मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराने का आदेश दिए गए हैं। अभी तो हमने राशन, रहने का इंतजाम और बिजली पानी सारी व्यवस्थाएं हम देख रहे हैं यहाँ पे, और भी जो रिक्वायरमेंट होगी गाँव वालों की तरफ से या हमें लगे उसकी व्यवस्था की जाएगी। अगर वो खतरे की अभी तो असेसमेंट चल ही रहा है, जैसे मैंने बताया कि 10 मकान से पूरे ही ध्वस्त हो गए हैं, 7 गौशालाएं पूरी ध्वस्त हो चुकी हैं, पशु हानि जो हुई है उसका असेसमेंट चल रहा है, बिजली पानी रास्ता यहाँ पे सभी का असेसमेंट अभी चल रहा है। नहीं बिल्कुल, अगर हमें एयरलिफ्ट भी करने की जरूरत पड़ेगी तो हमें जरूर करेंगे। हम किसी भी सूरत में यहाँ पे अगर कहीं भी स्वास्थ्य के इश्यू आ रहा है तो हम। तीसरी तस्वीर रुद्रप्रयाग से है, जहां जबरदस्त बरसात के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। भारी बरसात के कारण यहां पर आपदा जैसी परिस्थितियां पैदा हो गई हैं। हाल ही में मध्य महेश्वर को जोड़ने वाली रांसी गोंडार मध्य महेश्वर पैदल मार्ग पर बना पुल ध्वस्त हो गया, जिसकी वजह से 293 यात्री फंस गए थे और उनका आखिरकार 2 दिन के बाद सफल रेस्क्यू किया गया। इनमें से 109 यात्रियों का हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू करके नानू से रांसी पहुंचाया गया, तो वहीं 103 यात्रियों को रस्सी के सहारे नदी पार कराते हुए गोंडार गांव पहुंचाया गया। मंजर ऐसा खौफनाक था कि 2 दिन तक गांव वालों समेत यात्रियों और प्रशासन की जान अटकी रही। आखिरकार सभी का सकुशल रेस्क्यू कर लिया गया, लेकिन कुदरत का कहर अब भी जारी है। देखने वाली बात ये होगी कि इस बार का मॉनसून और कितना कहर बरपा कर रहेगा। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।